नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। अगर आप दुनिया को देखते हैं तो रंग बिरंगी नजर आती है और उसी तरह महिलाएं भी नजर आती हैं। परिधान भी दुनिया भर में अपने अपने देश को प्रेजेंट करते हैं और भारत तो विविधताओं से भरा देश है, जहां त्योहार से लेकर कल्चर, खान पान सब अलग अलग दिखता है। परिधान भी महिलाओं का अलग अलग दिखता है, लेकिन एक बात जो सभी महिलाओं में पाया जाता है वो है कान छिदवाना। भारत में भी ये परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। कान छेदन का हमारी सभ्यता में बहुत महत्व है। बहुत से इलाके की परंपराओं में तो पुरुषों को भी कान छिदवाना अनिवार्य है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस परंपरा का जितना महत्व फैशन के नजरिए से है, उससे कहीं ज्यादा सेहत के लिहाज से है। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे कि स्वास्थ्य के नजरिए से इसके क्या फायदे हैं और क्यों। कान को छेदने की इस प्रक्रिया को करने से बच्चे का दिमाग तेजी के साथ बढ़ता है, क्योंकि कान के निचले हिस्से यानी पाली में मेरिडियन केंद्र होता है, जो दिमाग के बाएं हिस्से को दाएं हिस्से से जोड़ता है। एक्यूप्रेशर की थेरेपी के अनुसार जब इस हिस्से पर दबाव डाला जाता है तो दिमाग के विकास में तेजी आती है। रिसर्च की माने तो कान को छिदवाने के बहुत सारे फायदे हैं। इसकी मदद से आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद मिलती है, साथ ही शरीर में ऊर्जा का संचार भी तेजी के साथ होता है। एक्यूप्रेशर थेरेपी के जानकारों का कहना है कि कान के जिस भाग पर छेद किया जाता है उस भाग में मास्टर सेंसोरियल और मास्टर सेलेब्रल केंद्र होते हैं। इन केंद्रों की मदद से बच्चों में सुनने की क्षमता का विकास होता है। एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि बच्चों के कान में होने वाली सरसराहट या सीटी बजने जैसी समस्या से राहत मिलती है। विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि कान छिदवाने की प्रक्रिया को करने से तनाव और अवसाद में भी फायदे होते हैं। वहीं हिस्टीरिया की समस्या में ये प्रक्रिया लाभदायक है, क्योंकि कान छेदने वाली जगह पर सेरेब्रल ग्रंथि का केंद्र होता है। एक्यूप्रेशर सिद्धांत बताते हैं कि इस जगह पर दबाव पड़ने से दिमाग की किसी भी अस्वस्थता को दूर करने में मदद करता है, जैसे OCD, तनाव, अवसाद, चिंता। विज्ञान और धार्मिक मान्यता दोनों ने इस बात को माना है। वहीं अब आयुर्वेद के जानकारों की बात करते हैं। आयुर्वेद की माने तो बच्चों में कान छेदने से उनके पाचन शक्ति में सुधार होता है, भोजन को पचने में मदद करने के साथ ही इसकी मदद से मोटापे की समस्या से बच्चों को बचाया जा सकता है। परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो जब कभी भी कान छेदने होते हैं तो लड़कियों में बाएं तरफ और लड़कों के दाहिने तरफ शुरुआत की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बायां तरफ लड़कियों को और दायां भाग लड़के को परिभाषित करता है। इस बात को विज्ञान ने भी प्रूव किया है। तो अब आप जान चुके होंगे कि हमारी भारतीय परंपरा को विज्ञान भी मानने लगा है और रिसर्च के माध्यम से सही बता रहा है। तो कान छिदवाना गवार या जाहिलेपन की निशानी नहीं है, अब आप शान से कान छिदवा सकते हैं।